शिवसेनेमध्ये नुकतच प्रवेश केलेल्या उर्मिला मारतोंडकर यांनी मुंबईत 3.75 कोटी रुपयांचं ऑफिस खरेदी केलं. आज सकाळपासूनच या बातमीची सगळ्या स्तरांवर चर्चा होत आहे. उर्मिलानं खारवेस्ट इथल्या लिंकिंग रोडवर आपलं नवीन ऑफिस विकत घेतले. हे ऑफिस 1000 स्क्वेअर फूट मध्ये विस्तारलेलं आहे. सकाळपासून प्रसार माध्यमात होत असलेल्या चर्चांवर उर्मिला मारतोंडकर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत स्पष्टीकरण दिले. मी ऑफिस घेतलंय हे खरं आहे, मात्र प्रसार माध्यमांनी फक्त अर्ध सत्य छापलेलं आहे. मार्च 2020 मध्ये अंधेरी इथल्या DN नगर इथं असणारा माझा एक फ्लॅट मी विकला होता. या पैशातून मला खरेदी करायची होती, मात्र लॉकडाऊनमुळे सर्व नियोजनांवर पाणी फिरलं. त्याच पैशांमधून नवीन कार्यालय मी विकत घेतले. सर्व कागदपत्र त्याच रजिस्टर कार्यालयात उपलब्ध आहेत, त्यामुळं प्रसार माध्यमांनी बातम्या देताना व्यवस्थित द्याव्यात. आत्तापर्यंत प्रत्येक व्यवहाराची सर्व काही कागदपत्र आणि पुरावे माझ्याकडे आहेत, मला तोडण्याचा प्रयत्न करू नका, असं स्पष्टीकरण देत त्यांनी समाज माध्यमांना बोललेलं आहे. अभिनेत्री उर्मिला मारतोंडकर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. नमस्कार. आज सुबह मुंबई मिरर नामक एक अखबार में अपने बारे में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा गया है कि मैंने हाल ही में एक ऑफिस खरीदा है. खबर सही है, लेकिन जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर सिर्फ आधा सच आपके सामने लाया गया है. इस आधे सच को कई गोदी मीडिया वालों ने उठाकर अपने अपने साइट्स पर भी छाप दिया है. मैं इन सारे गोदी मीडिया वालों को हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा सब तरह के मीडिया का हमेशा हमेशा सिर्फ सम्मान किया है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पत्रकारिता उनके कुछ उसूल होते हैं और उन उसूलों के चलते उन सबका सम्मान करना चाहिए. इस चीज़ की सच्चाई ये है कि मार्च के पहले हफ्ते में अंधेरी में स्थित DN नगर में मेरा जो एक फ्लैट था वो मैंने बेचा था, और लॉकडाउन के चलते चलते सिर्फ उसके उन पैसों में जो भी मुझे खरीदारी करनी थी उसका डिले हो गया है, और उन पैसों में ये ऑफिस लिया गया है. ये सारे पेपर्स जो है उसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मौजूद है जिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई गई है. मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूँ उस सारे गोदी मीडिया वालों से कि इस तरह से अगर वो मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई फर्जी दो नंबरी काम न किए हैं, ना अभी मेरे कोई करने की मनीषा है. तो कृपया इस तरह के वाक्यों से दूर रहे और मेरा नाम इस तरह बदनाम करने की कतई कोशिश ना करें. मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, अपरंपार मेहनत के बाद इस मकाम पे पहुंची हूँ जिसका मुझे गर्व है, मुझे फख्र है. जो भी चाहता है उसे मैं ये सारे पेपर जहाँ पे भी चाहे दिखा सकती हूँ, तो आप ज़रूर वो अगर चाहे तो मुझे बताइए कहाँ दिखाने हैं. और रही बात इस वीडियो की, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप में कोई उसूल कोई भी तरह की एथिक्स बाकी है तो ये वीडियो भी अपने अपने पेजेस पर ज़रूर डालें. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.